नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आई रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। आपको बता दें, ताना सोरेक के अंतर्गत ग्राम बोसिया में बीमारी दे रही दस्तक। आपको बता दें, ग्राम बोसिया जिला कन्नौज में आता है। इस गांव में नाला न बनने के कारण बरसात का जो पानी है वह घरों में भर जाता है, जिससे ग्रामीण शौचालय जाने के लिए परेशान रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी बरसात आती है तो हम इसी तरीके से गंदगी में जीवन यापन करते हैं, ना ही यहाँ की सड़कें बनी हुई हैं। आए दिन बच्चे बीमार हो जाते हैं और आए दिन जानवर भी बीमार हो रहे हैं। यह नज़ारा देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जहाँ सरकार स्वच्छ भारत मिशन का दावा कर रही है, वहाँ ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, मकान की दीवारें गिर रही हैं, जल भराव के कारण हादसा भी हो सकता है। इनकी ना तो सरकार सुन रही है और ना ही प्रधान सुन रहा है। प्रधान का कहना है कि सरकार मुझे पैसा ही नहीं दे रही है। औरतें बच्चे खुले में शौच करने के लिए विवश हो रहे हैं, अपनी समस्या बताएं। ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ नाला नहीं बना हुआ है, नाला न बनने के कारण पानी का निकास नहीं हो पा रहा है, जिससे पानी घरों में भर जाता है। मच्छर भी पनप रहे हैं, जिससे ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। इन ग्रामीणों की शिकायत है जितेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, संदीप सिंह, जयवीर सिंह, सोनू सिंह, कल्लू सिंह, सलीम खान, सलीम बाल सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सुनील पाल, कश्मीर पाल, राजेश पाल, चंद खान, पप्पू बाल्मीक, राम प्रकाश बाल्मीक, हरिओम बाल्मीक आदि ग्रामीण मौजूद थे। उत्तर प्रदेश से कन्नौज जिले से अंकित कुमार की खास रिपोर्ट। पड़ता है यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। मुझे रात में इसलिए बुलाया है कि यहाँ पे बहुत दिक्कत है, परेशानी है, प्रधान सुन नहीं रहे हैं। अब प्रधान कई बार शिकायत की है, ग्रामीण हमारे साथ बहुत मौजूद हैं, जो हम उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या मामला है। आप बताइए क्या समस्या है, क्या नाम है? मेरा नाम है अभी आपको बरसात में तो परेशान हूँ बहुत, लगभग 40-50 है। और उन लोगों ने प्रधान से पहले सूचना की थी, मैं धर्मेंद्र पटेल सेक्रेटरी से उनको सूचना दी है, हमने कोई सुनवाई नहीं की। अब मैं अभी आया हूँ, काफी इन लोगों ने हमें बुलाया तो हमने बहुत कुछ कर देना, तो काफी दिक्कत था। तो यहाँ पे हमारे लिए सारी सुनवाई नहीं कर रहा और लगभग 4 से 5 जा रहे हैं, तो कितने की करार था। ग्रामीणों ने किसी ने आपसे शिकायत की, प्रधान से कोई सूचना दी आपने? इन लोगों ने गलत सूचना दी है, प्रधान जी को पहले ही। क्या नाम है? क्या आपने प्रधान जी को सूचना दी, किसी को सूचना दी पानी भर रहा है या यहाँ पे जो बीमारी पड़ रहे होंगे, कई समस्याएं होती है, क्या समस्या है? मैंने प्रधान जी को भी अपन कराया था, धर्मेंद्र पटेल जी को भी अपन कराया था। तो धर्मेंद्र पटेल जी के पास जब मैंने कॉल किया तो धर्मेंद्र पटेल जी का बयान था कि आप कहीं भी शिकायत कर दो, हम नहीं करवा पाएंगे। और इन्होंने कोई पानी के निकास की कोई राशि की रास्ता निकास की कोई मतलब रास्ता नहीं छोड़ी, और बात पानी यही कह रहे हैं कि हमारे असर प्रश्न में नहीं। और यहाँ पर समस्याएँ बहुत ही गंभीर उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मवेशी भी बनने के लिए परेशान है, स्कूली विद्यार्थी निकलते हैं वो भी परेशान है, प्लस बीमारी जो गंदगी का पानी आता है, जल भराव होता है, गंदगी होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है, जो कि बच्चे भी परेशान है, हम लोग सभी परेशान हैं। यहाँ मोहल्ले के जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी परेशान हैं। प्रधान जी यहाँ पे कौन है, क्या नाम है, आपका क्या नुकसान है? आपका घर ग्रामीण बहुत परेशान है, ये बीमारियों से जूझ रहे हैं, काफ़ी अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी यहाँ पे अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, जो महिलाएं भी शिकायत करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या समस्या है आपकी? सरकार हमें महिलाएं बहुत परेशान है, लेटरिन बाथरूम जाने
के लिए परेशान है, रास्ता खुला हुआ नहीं है, बहुत ही परेशान होने के कारण सब ये जितने भी खड़े हुए हैं सब परेशान है। ये मौसम बहुत परेशान है ना, क्या समस्या आ रही है आपने किसी से कभी कोई शिकायत नहीं करी? किला किला खत्म हो गई हुई गई सपटी है तो था हमने रात कैद अच्छा बार बार कोई कर रहे हैं कर ही रहे थे लंबो तो बेटा कर रहा हूँ ना। सरकार ने जो लैट्रिन दी है शौचालय दिया है वो भी पानी में डूब गया है, जिससे कि यहाँ पे जितने महिलाएं हैं शौचालय जाने के लिए बहुत परेशान हैं। महिलाओं का बहुत बड़ा दुख ये है कि बरसात के मौसम में शौच क्रिया के लिए कहाँ जाए। क्या नाम है? मेरा नाम सलीम है। कहाँ रहते हो? बौसिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या है साहब, मेरे निकल मेरे जगह नहीं है सब जाम ये देखो सब के निकलता जाम दो इतने इतने करे आओ तो इतने पानी निकले कब मेरे मत कहीं ना साल तो परे धान है ये देखो काम में हम निकले कहाँ जाए बताओ तो नहीं हम जाम जाई मरा है देखो ना कहूँ साग सब्जी लेन जाए पाते ना कछु कर पाते बच्चा बीमार हो यार रात बिरात काम में जाए लगे रास्ता कहीं है नहीं निकलने के लिए नाला है मान लो सड़क है सड़क गड़बड़ाई जाए नाला खुदवाओ जाए कहूँ तो पानी का रास्ता करी जाए भाई आपके घर से रास्ता नहीं निकलने के लिए ना ही है निकलने के लिए जय रास्ता है आपको दिखाई रही सामने देखना ही रही आप दरवाजो मेरो जू है रास्ता कहाँ थे प्रधान लोगन तक भेजा का हम का कर दे मैं हम का कर दे अपनी करो जाओ बता बंद करवा दे जो कोई सरकारी आवास मिला कोई नहीं मिलो आज दिन तक ना मोए मिलो ना मेरे बाप को मिलो कोई नहीं मिलो भैया। क्या नाम है? हमारा नाम नीरज। क्या समस्या है आपकी? हमारी बहुत बड़ी समस्या है सर। बताएं कि हमारे मकान के पास में एक पूर्व तालाब भरा हुआ है और मेरे गांव के पूर्व साइड में भी तालाब है तो पूर्व साइड वाले तालाब का पानी बाहर जाता है नाले में तो वहां आबादी पड़ी थी मेहतर लोगों को प्रधान ने वो आवास दिए तो उन्होंने आबादी में मकान बनवा दिए तो पूर्व जो रास्ता था वो बंद करवा दिया। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए और प्रधान ने कहा कोई दिक्कत नहीं हम नाला बनवा देंगे। तो सर आज कम से कम 3-4 साल हो गई हमने कंप्लेंट की कई किसी ने सुनवाई नहीं की। 10-76 पे भी कॉल करते हैं तो वो लोग समाधान नहीं करते हैं मेरा और मेरे मकान के पास में तालाब है तो कम से कम मेरी 2 मीटर की दीवार डूब जाती है। एक बार गिर चुकी हमने बनवा ली, हम किसान आदमी हैं सर पेट पाले कि मकान बनवाएं। प्रधान को सूचना देते तब क्या हो? प्रधान ये कहते हमारी ब्लॉक में चलते ही नहीं। अच्छा जी, अरे हमारे हमारा हैंड पंप खराब पड़ा है तो हमने कई बार उससे कहा वो प्रधान बोले कि क्या करें अपना स्वयं देख लो हमारी तो चलती नहीं है हम तो सफा के हैं साफ साफ यही कहते हैं। तो यहाँ क्या आप लोग भाजपा को वोट देते हैं? अरे हम तो शुरू से रहे भाजपा ही और आज भी है और रहेंगे तो भाजपा की वजह से आपको कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रहा हमारा तो सर यही चाहते हैं। और मेरे मकान के बिल्कुल बगल में तालाब है और हमारे जो सामने वाले भाई बंधु हैं बहुत परेशान हैं और मेरा मेन रास्ता है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे बुजुर्ग गिर जाते हैं और हम लोग बीमार होते हैं क्योंकि मकान के आसपास इतनी गंदगी है हम लोग कहाँ तक सफाई करें। और जब किया तो नाला स्वयं खोदा हम लोगों के बच्चों के पैर में फावड़ा लग गया तो सुनवाई होती ही नहीं। हम लोग ने कहा तो ठीक चलो ठीक भेज देंगे सफाई कर्मी 2-4 भेज दिए वो बेचारे पानी में कैसे नाला खोद लें। और फिर और हमारे चाचा जी गिर गए उनके पैर में चोट भी आ गई और वे सर में इतनी चोट आई कि एक्सपायर भी हो गई। अब बताओ हम लोग कितने पीड़ित हैं हमारी कोई सुन रहा है? कहाँ जाएं किससे कहें कोई नहीं सुन रहा। हमें कुछ नहीं चाहिए हमें नाला चाहिए नाला चाहिए नाला चाहिए बस। और हम लोग बीमार होते हैं ये बताओ कि हम डॉक्टर को पैसे दें या बच्चे पालन करें कि पढ़ाएं लिखाएं कि अपना मकान बनवाएं बार बार क्या करें? प्रधान से कहते हैं प्रधान साहब साहब ही बोलता है कि अपना स्वयं व्यवस्था कर लो अगर स्वयं व्यवस्था कर लेंगे ये मंत्री लोग अपनी अपनी सीटें छोड़ के चले जाए हम स्वयं देख लेंगे सब कुछ। क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या है कि सर हमारे मकान के नीचे हमेशा ये पानी भरा रहता है गंदा और इससे हमारे बच्चे बीमार होते हैं इससे हमारे बुजुर्गों की परेशानी है इससे हमारी मवेशी को दिक्कत है हमें सारी परेशानी होती है और सारे गांव का गंदा पानी हमारे द्वारा इकट्ठा होता है। इससे ना तो हमारा प्रधान कोई सुनवाई करता है ना कोई सिक्योरिटी सुनवाई करता है। आज के 10 साल से हम परेशान हैं और कोई भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है।
हमेशा ये पानी हमेशा ही भरा रहता है, इससे हम लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है।